जनपद में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों पर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। एसएसपी ने बताया कि पीएससी के अलावा शासन द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स उपलब्ध कराया गया है, उनको अलग अलग टीम बनाकर गांव में भ्रमण करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे नागरिक भयमुक्त होकर वोटिंग कर सकें। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बिना किसी दबाव के वोटिंग करें। उन्होंने बताया कि 100 अपराधियों के ठिकाने पर दबिश दी जा रही है तथा 50 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग इसमें वांटेड भी थे। इन लोगों की फ़ोटो भी ली जा रही है तथा खुराफाती लोगों के खिलाफ 149 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। एसएसपी ने हिस्ट्री शीटर प्रत्याशियों पर बोलते हुए कहा कि अगर प्रत्याशी वांटेड हो तो जाएगा तथा जमानत पर बाहर है और इस समय कोई क्राइम नहीं कर रहा है और वह चुनाव लड़ रहा है, उसको सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रत्याशी को या वोटर को धमकाकर वोट डालने के लिए नहीं कह सकता है। अगर कहीं भी कुछ इस तरह की सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, देखिए देहात क्षेत्र में ब्लॉक्स में पंचायत चुनाव की तैयारी भी खूब चल रही है, जिसमें पीएससी के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स भी हमको मिला है उनको अलग अलग पार्टीज के रूप में रवाना करके गांव-गांव पब्लिक को निष्पक्ष मतदान हेतु प्रयास किया जा रहा है और इसमें बिना डर के अपने वोट डालें और किसी के दबाव में ना रहें। वहाँ पे अन्य जो माल प्रैक्टिस, इलेक्शन रिलेटेड माल प्रैक्टिस ना हो, इसके लिए सूचना के तहत वहाँ दबिश दी जा रही है। कल रात भी लगभग 100 के ऊपर जो अपराधियों के खिलाफ उनके ठिकानों पे दबिश दी गई है, 50 के ऊपर लोग गिरफ्तार हुए हैं, यानी पूछताछ है जो थाने पे लाए गए हैं, कुछ लोग वांटेड भी थे उसमें, इनकी फ़ोटो भी लिया जा रहा है, इनके अपडेशन भी लिया जा रहा है, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने जितना प्रभाव रख सकते, जो नेगेटिव वाले हैं, जो खुराफाती तत्व हैं, उनके खिलाफ रेड कार्ड नोटिस 149 CRPC के तहत कार्रवाई भी की जा रही है, उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स किया जा रहा है। देखिए वो अगर वांटेड है वो तो जेल चली जाएगा, अगर उसके वो जमानत पर बाहर है और रिसेंटली उनके द्वारा कोई क्राइम कारित नहीं किया जा रहा है और वो चुनाव लड़ भी रहा है, तो उनको सख्त हिदायत दिया गया है कि किसी भी वोटर को या किसी भी उनके खिलाफ लड़ने वालों को धमका नहीं सकते हैं, या फिर इस तरह से कोई उनके द्वारा कोई सूचना प्राप्त होती है तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जा रहा है।